Friends, myself Sairav Bimannan. Today we will discuss about standard 8 science chapter number 4, material, metal and non-metal. In previous part में हमने discuss किया था कि physical property के बारे में discuss किया था. अब जो हम discuss करने वाले हैं उसकी chemical property के बारे में हम discuss करने वाले हैं. Physical के अंदर देखा था जो metal है वो क्या sonorous होगा, hard होगा, luster होगा, malleable होगा, ductile होगा, ठीक है, good conductor of heat and good conductor of electricity हमारा होगा. बट पुअर जो कंडक्टर है, मतलब जो हमारा नॉन मेटल है, उसके अंदर ये सभी चीज़ उल्टा होगा. मतलब सॉफ्ट होगा, लस्टर नहीं होगा, मैलिएबल भी नहीं होगा, डक्टाइल भी नहीं होगा, सोनरस भी नहीं होगा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब उसमें से हीट भी ट्रांसफ़र नहीं होगा और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी भी ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है. तो ये हमने डिस्कस की थी. उसके बाद इंपॉर्टेंस थिंग्स थी, हमने देखा था कि जो मेटल जो है वो आपको 100% हार्ड फॉर्म में दिखा देंगे, मतलब सॉलिड फॉर्म में आपको दिखा देंगे, ठीक है. बट कुछ जो मेटल्स जो है वो आपको लिक्विड, मतलब सॉफ्ट में दिखाई दे, लिक्विड में तो नहीं पर सॉफ्ट में आपको दिखाई दे रहे. जैसे उसको हम नाइफ से कटिंग नहीं कर सकते मेटल को, आप आयरन को कटिंग करना चाहो तो नहीं कर सकते. बट कुछ जैसे कि सोडियम एंड पोटेशियम जो है हमारे क्या सॉफ्ट है, उसको आप इजीली नाइफ से कटिंग कर सकते हैं. और मर्क्यूरी, मर्क्यूरी जैसे हम पारो जो बोलते हैं कि जैसे हम टेम्परेचर, हमारा टेम्परेचर मेजर करते हैं ना डॉक्टर, उसके अंदर क्या होता है थर्मोमीटर के अंदर क्या होता है, वो मर्क्यूरी होता है. वो क्या लिक्विड फॉर्म में, एक ही मेटल है पूरे वर्ल्ड के अंदर, मतलब मेटल है वो लिक्विड फॉर्म अवेलेबल है. दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट. अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी. केमिकल मतलब केमिकल के साथ रिएक्शंस कुछ करने वाले हैं. जैसे हम फैमिलियर है स्टैंडर्ड 7 में थोड़ी बहुत उसकी बात की हुई है. यू आर फैमिलियर विद द फिनोमिना ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन. रिकॉल द रिएक्शन बाय विच रस्ट इज फॉर्म. यू हैड ऑल्सो परफॉर्म इन क्लास 7 एक्टिविटी ऑफ द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबिन इन एयर. You had learned that both of process oxidize formation take place. Complete the following reaction of iron and magnesium with oxygen. Means हमने स्टैंडर्ड 7 के अंदर हमने देखा था और हमारे डेली लाइफ में हम यूज़ भी करते हैं. जैसे अभी हमारा मानसून चल रहा है तो हमारी देखना आपको रस्टिंग होने के चांसेस है. मीन्स हमारे होम के अंदर जैसे कि हमारी जो आयरन वाली जो चीज़ है उस पर क्या रस्टिंग होता है, मतलब काट लगना, हम उसको बोले काट लगना बोलते हैं, है ना, काफ़ी सारी जगह पर लग जाता है. फिर आपने एक और एक एक्टिविटीज़ की थी मैग्नीशियम रिबिन. मैग्नीशियम रिबिन को हम बाहर खुली जगह पर रखेंगे तो हमारा ऑक्सीजन जो एयर में से जो क्या कर उस पर रिएक्ट कर रहा है, मतलब उस पर एक लेयर क्रिएट कर देता है. क्या करता है, लेयर. तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा. क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड. और हमारा ये आयरन है, आयरन तो हमारा बाहर ही रहता है. जैसे कि हमारी होम के ऊपर जब हमारी कोई छत हो, ठीक है, बाहर फ्लोर लास्ट फ्लोर पर या टेरेस पर हमारे जो ग्रिल्स जो होती है, ग्रिल्स जैसे ऐसी होती है, वो क्या लोखंड की होती है, ठीक है, आयरन की होती है. तो उस पर फॉर एग्जांपल कलर्स आपने नहीं किया हुआ है तो देखना आप उस पर आपको पानी ऊपर डालोगे, जैसे मानसून चला तो आपको ब्राउन ब्राउन कलर आपको दिखाई देगा, मतलब वो क्या लगा काट आ रहा है. आफ्टर सम टाइम्स वो बैंड भी हो जाएगा, जितना हार्ड होगा उतना वो बैंड हो जाएगा. मीन्स वो क्या कर रहा है, तो वाटर आयरन तो है ही, आयरन तो हमारा है ही, ऑक्सीजन और वाटर के साथ क्या कर रहा है रिएक्शन कर कर वो आयरन हमारा प्रोड्यूस करता है. तो उसका ये फॉर्मेशन हम रिटर्न करें तो Fe3O4 मिलेगा. क्या ये हमारा एंड H2 हमारा क्या होगा दूर होगा, मीन्स हाइड्रोजन गैस हमारा दूर होगा और Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड आपको बनाएगा. ये हमारा क्या काट लगने के चांसेस है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, मीन्स ऑक्सीजन वो ऐड हो रहा है. हमने एक चीज़ पढ़ा था कि एनी रिएक्शंस के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ठीक है, और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, ये रिएक्शंस को हम ऑक्सीडेशंस बोलेंगे. क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन. एंड एनी रिएक्शंस के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, उसको हम रिडक्शंस बोलेंगे. तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम की रिबिन जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मतलब बाहर रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड. क्या मिलेगा मुझे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, ट्वाइस मैग्नीशियम ऑक्साइड. मतलब देखो यहाँ पर मैग्नीशियम अकेला था और ये ऑक्सीजन भी अकेला था, दोनों मिक्स होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो ये जो रिएक्शन है उसको हम क्या बोला, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी बोल सकते हैं. ठीक है, हम जो बात करने वाले हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन के साथ में बात करेंगे. मतलब एयर में तो ऑक्सीजन अवेलेबल है, कोई भी चीज़ बाहर रखोगे तो क्या होगा, वो ऑक्सीजन के साथ कॉन्टैक्ट में आने वाली है. तो समटाइम्स वो रिएक्शंस प्रोड्यूस करते हैं, समटाइम्स हमारे लिए बेनिफिट भी है, समटाइम्स हमारे लिए क्या है हार्मफुल भी है. देखो यहाँ पर आपको एक्टिविटी दिया हुआ है कि जैसे कि भी लेट अस टेक द नेचर ऑफ द रस्ट फॉर्म एज द रिजल्ट एंड द रिएक्शन बिटवीन द आयरन ऑक्सीजन एंड वाटर. कलेक्ट द
spoonful of rust and dissolve in every little amount of water. You will find that the rust remaining the suspended in the water. Shake the suspension well. Taste the solution with the blue litmus paper and check it. Means हमें क्या करना है कि जो हमारा जो रस्ट मतलब हुआ है उसको हमें क्या करना है, टेस्ट ट्यूब के अंदर थोड़े वाटर के अंदर उसको क्या करना है, मिक्सअप करना है, मिक्सअप करना है, ठीक है। आफ्टर मिक्सिंग उसको हमें बाहर पेटी डिस्क के अंदर लाना है। और आपको ये चीज़ आप स्टैंडर्ड 7 के अंदर पढ़ोगे, आपको एसिड और बेस, एसिड की प्रेजेंस से और बेस की प्रेजेंस से चेक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लिटमस पेपर। क्या यूज़ करते हैं, लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर उसके अंदर आप डालोगे तो जो ब्लू लिटमस पेपर है वो क्या होगा, एज इट इज़ रहेगा। बट जो रेड लिटमस पेपर क्या होगा, उसका कलर चेंज कर रहा है, मतलब वो ब्लू में आ रहा है, ठीक है। तो उससे हमें पता क्या चलेगा कि जो हमारा ब्लू रेड लिटमस पेपर हमारा क्या हो रहा है, ब्लू में हमारा कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, तो ये जो क्या प्रेजेंस बता रहा है कि जब हमने एक चीज़ पढ़ा था, आपको एक बार और रिकॉल कर लूँ कि ब्लू लिटमस पेपर रेड में होगा, रेड में कन्वर्ट होगा, तो क्या बता रहा है, वो एसिड की प्रेजेंस ही बता रहा है। एसिड मतलब एच हाइड्रोजन की प्रेजेंस ही बता रहा है। और रेड लिटमस पेपर जो ब्लू में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, रेड लिटमस पेपर ब्लू में, ठीक है, आर टू ब्लू, ये हमारे क्या बेस की प्रेजेंस ही बता रहा है, ठीक है। आपको याद रखने के लिए आपको एक गुजराती में फॉर्मूला दूँ कि एक बूल दो लाभ, मतलब एक बूल बे, ये फॉर्मूला है गुजराती के लिए। मतलब देखो, एसिड है ब्लू लिटमस पेपर को रेड बनाएगा, ठीक है। ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर रहा है तो वो एसिड मतलब ए आ रहा था, एसिड बे, बे मतलब बेस, बेस। तो लाल लिटमस पेपर को क्या बनाएगा, ब्लू बनाएगा। तो हमने यहाँ पर देखा तो रेड लिटमस पेपर को क्या बना रहा है, ब्लू बना रहा है। मीन्स वो क्या कर रहा है, वो हमारे बेस फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है। वो क्या है, एसिडिक नहीं है, वही बेस फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है। मीन्स आपको पता क्या चला कि जैसे कि हम ऐसी मेटल, ये हमने मेटल की बात की, मेटल को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस कर रहे हैं तो बेस फॉर्म बना रहे, क्या ऑक्सीडेशन कर रहा है, मीन्स ऑक्सीडेशन नेचर आपको दिखाई दे रहा है। मीन्स ऑक्साइड बनाएगा, क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस ही होगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस ही होगी तो क्या होगा, बेस हमारा होगा। यहाँ पर आपको एक और भी दिया हुआ है, व्हेन द कॉपर वेसल्स इज एक्सपोज टू द मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग एक्वायर द डल ग्रीन कोटिंग। मीन्स हमने कॉपर के जो हमारे वेसल्स मतलब कॉपर के जो बर्तन अवेलेबल है उसका बाहर रखो तो आपको देखना समटाइम्स आफ्टर समटाइम्स उसको ग्रीनिश आपको दिखाई देगा, ठीक है। क्यों ग्रीनिश दिखाई देगा, बिकॉज वो क्या कर रहा है, वो हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है। मीन्स मॉइस्ट के अंदर जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ऑक्सीजन है, ठीक है, वो सभी के साथ क्या बना रहा है, रिएक्शंस कर रहा है। और कॉपर हाइड्रोक्साइड का लेयर बनाएगा, क्या बनाएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड का लेयर बनाएगा और कॉपर कार्बोनेट का लेयर वो क्या कर रहा है, बना रहा है, ठीक है। CuOH twice, ठीक है, दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कॉपर हाइड्रोक्साइड आपको पूछ सकते हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला रिटर्न करो तो CuSO CuOH twice एंड ये जो हमारा है कॉपर कार्बन CuCO3। देखो यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन डिफरेंट डिफरेंट है, यहाँ पर ऑक्सीजन हमारा ऐड हो रहा था, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी बोल सकते है उसको। हम ये बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, बेस फॉर्म ऑक्साइड बनेगा, क्या बनेगा, ऑक्साइड। जिस तरह से हमने मेटल की बात की, इसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, हम नॉन मेटल की बात कर रहे हैं, ठीक है। नॉन मेटल के अंदर टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर सल्फर इन अ डिफ्लेग्रेटिंग स्पून एंड हीट। मीन्स हमारी सल्फर है डिफ्लेग्रेटिंग स्पून मतलब जलती हुई, मतलब जिस पर हम हीट कर सकते हैं, ठीक है, थीके? उसको हम पाउडर फॉर्म में रखकर उसको हम क्या कर दें, उसको हीट कर दें, ठीक है, हम उसको हीट दे रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, आपको ऐसे ही स्पून्स अवेलेबल नहीं था, उसको आप एक बॉटल में भी कर सकते हो, ठीक है, बॉटल में भी आप उसको रख सकते हो। अब उसको क्या करना है कि आप उसको हीट किया द स्पून इज सल्फर स्टार्ट बर्निंग द इंट्रोड्यूस द स्पून इंटू अ ग्लास जार ग्लास टम्बलर कवर द टम्बलर विद द lid of the ensure that the gas produced does not escape. Remove the spoon after some times and a small quantity of water into the tumbler and quickly replace the lid. Shake the tumbler well. Check the solution with the red and blue litmus paper. Means हमने क्या किया, उसको हमने
हीट किया, हीट करने के बाद हमने क्या किया, एक ग्लास टम्बलर जो वाला जो हमारा है उसको अंदर हमने फिट कर दिया। ठीक है, फिट करने के बाद हमने ऐसे हमने उसको आजू बाजू से लेड से फिट किया, मतलब बार की जो एयर है वो अंदर जानी नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब ये तो हो गया। अब आफ्टर सम टाइम्स के बाद हमने क्या किया, वाटर ऐड किया। किसके अंदर किया, जो हमारा टम्बलर था उसके अंदर क्या किया, वाटर ऐड किया और उसको हमने फिट कर दिया। आफ्टर दिस जब हमारे उसको रिमूव कर रहे हैं, मतलब बाहर लेकर आ रहे हो, उसको हमें टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करना, पेटी डिश के अंदर उसको निकालना है, जैसे सॉल्यूशन उसको हमें पुट करना है। उसके बाद हमें उसकी एसिड एंड बेस की प्रेजेंस ही देखना है, एसिड एंड बेस की हमें क्या देखना है, प्रेजेंस ही देखना था। आप उसके अंदर देखोगे द नेम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन इज ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज अ सल्फर ऑक्साइड, मीन्स हमने ऑक्सीजन वाटर जब डाला तो वाटर क्या है उसके साथ रिएक्शंस करेगा और सल्फर है वो ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्शन करा और जो आपको फाइनली जो प्रोडक्ट मिले हमें क्या मिलेगी, सल्फर ऑक्साइड गैस मिलेगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर एंड सल्फर एसिड इज फॉर्म, द रिएक्शन कैन बी गिवन बिलो, मीन्स सल्फर डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीजन के साथ हमने जब हीट किया ना तो क्या करता है, सल्फर का जो पाउडर था ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर वो सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है और वाटर हमने ग्लास के अंदर जब डाला तो क्या करो, दोनों के साथ रिएक्शन होकर सल्फ्यूरिक एसिड बना रहा है। क्या बन रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड, तो H2SO3। देखो अब नेम से ही आ रहा है एसिड, तो एसिड है तो आप उसको चेक करोगे तो एसिड के लिए हमारा क्या होगा, ब्लू लिटमस पेपर क्या होगा, हमारा रेड होगा, मीन्स रेड डालोगे तो रेड पर कोई भी चेंजेस नहीं होगा। आपको क्वेश्चन हो रहा होगा सर हम रेड डालें तो क्या होगा, रेड डालोगे तो सिर्फ इतना चेंज होगा वो किसी भी उसके अंदर चेंजेस नहीं होगा, मीन्स एज इट इज़ रहेगा। बट आप उसको जैसे ब्लू लिटमस पेपर डालो तो वो कलर चेंज करे, कलर चेंज करे उससे हमें क्या पता चलेगा, हमें पता चलेगा ये हमारे क्या एसिड है। तो मीन्स आप देख सकते हो ऑक्साइड जो है, ऑक्साइड को हम वाटर के साथ जब रिएक्शन कर रहे हैं, मीन्स नॉन मेटल को हम ऑक्सीजन वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो आपको एसिड मिल रहा है। ठीक है, उसको हम क्या बोले, एसिड मिल रहा है। तो आप ब्लू लिटमस पेपर को रेड बना सकते हो, तो इससे पता चला कि जो नॉन मेटल जो है वो हमारे क्या है, वो वाटर के साथ रिएक्शंस कर हमें क्या बना है, वो एसिड बना रहा है। ठीक है, वो क्या बना रहा है, एसिड बना रहे, मीन्स नॉर्मल नेचर के अंदर क्या होता है, एसिड हमारे होते हैं। ठीक है, वही चीज़ आपको दिया हुआ तो वो क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करेगा। आफ्टर जो है हम डिस्कशंस करने वाले वो हम एसिड उसको वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, एसिड के साथ भी रिएक्शंस करेंगे, मेटल और नॉन मेटल की बात की हो तो आपको क्या क्या मिला वो हमें देखना है। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कशन करेंगे। आई होप आप लोग को अंडरस्टैंड आएगा। इफ़ एनी डाउट, इफ़ एनी क्वेरी, आप कमेंट्स में भी डाल सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।